टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। हेल्थ फाउंडेशन श्रीनगर में रमजान करीम के दौरान जरूरतमंदों को हर तरह की मदद फराहम करने का काम कर रही है। इसी सिलसिला में उन्होंने हाल ही में तुलसी बाग के अंदर एक कैंप भी लगाया, जिसमें बेवाओं और जरूरतमंदों को राशन और ग्रोसरी की अशिया दी गईं। इस सिलसिला में ANI की कर्टिसी के साथ एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। हमारे जो बच्चे हैं, तकरीबन हमारे 2000 बच्चे हैं जिनको हम मदद करते हैं फॉर एजुकेशन, लेकिन उनके घरों के हालात ऐसे हैं कि घर में अगर प्रॉपर फूड भी नहीं हो तो वो हमारे लिए बहुत तकलीफ़ की बात है। तो इसलिए आज हम कर रहे हैं कि उन बच्चों की माओं को हम फूड पैक्स दे रहे हैं। तकरीबन रमज़ान में हम 3500 फैमिलीज़ को फूड पैक्स देते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है। इस हम तो हर रमज़ान में ये कर रहे हैं, इस बार भी हमने रमज़ान के महीने में ये प्रोग्राम शुरू किया है। और जो हमारे बेनिफिशरीज है हेल्थ फाउंडेशन के, तो हर साल उनको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा किया है ये कि रमज़ान में ये गरीबों की हेल्प करते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारी मदद करते हैं। कपवारा लाइन ऑफ कंट्रोल के मकाम पर सियाहत को फरोग देने की खातिर मकामी अपने घरों को होटलों में कन्वर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के कश्मीर की तरफ से भी सियाहत की गर्ज से आने वाले इन जगहों पर रह रहे हैं। इस सिलसिला में इंडियन आर्मी भी इन टूरिस्ट हाउसेस की मदद कर रही है।
भी हमने होम स्टे स्टार्ट किया, जो भी फैसिलिटीज जस्ट लाइक होटल पे हम वो चीज़ें नहीं यहाँ पे दे सकते, लेकिन होम में जो जो चीज़ें हैं, जो हमारे लोकल, जो हमारे कल्चर्स की यहाँ पे चीज़ें होंगी, वो चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हर एक चीज़, जैसे खाना पीना, रहन सहन, यहाँ का जो लोकल कश्मीरी ट्रेडिशन है जस्ट लाइक वाजवान, वो भी हम यहाँ पर मुहैया करा सकते हैं। बाकी जो मेन मेन चीज़ें होंगी वो हम दे सकते हैं। हम क्या नाम देते हैं, इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ ये कदम उठाया है। आप देख सकते हैं वहाँ पे उनके होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहाँ हद से ज़्यादा रश होता है। हमने भी यहाँ उनके लिए इंतज़ाम रखे, हमने अपने मकान रखे, हम हेड स्टे उनको इतने अपने घर में करवाएंगे, जितना हम तक हो सकेगा हम उनकी खिदमत करेंगे। वो आए, हम उनका मोस्ट वेलकम करते। बुडगाम के इलाके में बीएसएफ की तरफ से एक ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, इसका हवाल आपको दिखाते हैं। आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ ब्लड डोनेशन का, हमारे जो सीएच के डायरेक्टर हैं डॉक्टर तिवारी और हमारे जो दूसरे ऑफिसर हैं उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया। मैंने भी आज यहाँ अपना ब्लड दिया है और इससे ना केवल जो आम पब्लिक है कश्मीर की उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर ब्लड मुहैया होगा, बल्कि हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके अंदर एक कंपैशन का, करुणा का भाव भी जागृत होगा। आज रमज़ान के महीने में इन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और इस दौरान थोड़ा सा ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती है और जो फास्टिंग लोग होते हैं उनको थोड़ा हेजिटेंसी आती है और जो फास्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए अच्छा रहता है ब्लड डोनेट करना। और ये तो इससे पहले भी हमने इनके साथ ब्लड डोनेशन कैंप करते आए हैं, तो आई एम थैंकफुल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम द मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट एलडी हॉस्पिटल डॉक्टर मुजफ्फर शेरवानी, फ्रॉम हिज बिहाफ एंड फ्रॉम माई बिहाफ आई सल्यूट देम कि उन्होंने ऐसे मौके पर आज ब्लड डोनेशन कैंप किया। राजवड़ी के मकाम पर हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग की गर्ज से एक कैंप लगाया गया जिसमें खवातीन को सिलाई और एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग दी गई।
इधर लड़कियां दूर दूर से आती हैं, काम कर सीखती भी हैं और इनको 100 मिलता है स्टाइपेंड, और अच्छा काम करती हैं, शौक से करती हैं और इनको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, हमारे यहाँ एक सेंटर आया स्टेपल का, तो अब हम इस पे आते हैं सीखने के लिए। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा, हमारे ये सेंटर में 20 लड़कियाँ हैं। मेगा ब्लॉक हेल्थ मेला का हालिया दिनों में इनेकाद अपनी जगह पर एक मुनफरिद काम था, जिसके इंतजाम बहुत सारे महकमों के जिम्मे थे। इस मेला की खसूसी रिपोर्ट देखिए। लोग जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी फुटफॉल हो रहा है, लोग बहुत ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहे हैं, और डॉक्टर साहिबान जो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट जो हमने लाए हैं उसमें से हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ENT डॉक्टर है, ऑफ्थोमोलॉजी के डॉक्टर साहब हैं, चेस्ट मेडिसिन के डॉक्टर साहब हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे जो आयुष के जो मेडिसिन हैं यूनानी मेडिसिन हैं और पंचकर्मा के हैं और योगा वगैरह जो है वो भी हैं हमारे साथ। इसमें हमारी टीम जो है बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो है तदाबीर इलाज हैं, जैसे कि अब मौजूदा वक्त में जिस तरीके से कि दवाओं के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होने लगे हैं, तो अक्सर लोग जो हैं उसके बदले में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हैं जिससे कि उन साइड इफ़ेक्ट से बचा जाए। तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी ऐसी तदाबीर हैं कि जिसमें दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करके हम उसको दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर हम मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ऑलमोस्ट एक महीना डेढ़ महीना तो डेट मतलब मुश्किल से ही मिलेगा। तो मतलब अब डोर स्टेप पे आए हैं ये डॉक्टर्स, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.